ये पत्ता गोभी है इस, और इसको हम बड़े बड़े टुकड़े में काट लिए हैं। उसका बनाएंगे मंचूरियन। ना कोई घिसने का झंझट, ना महीन महीन काटने की झंझट। मिक्सर जार, इसमें इसको हम इसी में पीस लेंगे हल्का हल्का करके, छोटा छोटा टुकड़ा बन जाएगा इसका। धीरे धीरे करके महीन करिए, पूरी तरीके से मत चालू कर देना, नहीं तो चटनी बन जाएगी इसकी। ये महीन महीन मेरा देखिए टुकड़ा हो गया, घिसने का झंझट नहीं। थोड़ा सा नमक डाल लीजिए इसमें, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रख दीजिए ढक के। पानी इसका छोड़ देता है पत्ता गोभी में, तो इसमें मैदा अरारोट कम लगता है, ज़्यादा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। मिला के इसको हम रख देते हैं, 10 मिनट हो गया है, इसका पानी सब निकाल देंगे। ये मिर्चा, थोड़ा सा लहसुन डाले हैं, क्योंकि हमने बाज़ार से लहसुन अदरक का पेस्ट ये मंगाए हैं, 5 रुपये पैकेट मिलती है किराने दुकान पे। अदरक लहसुन हो तो घर पे खुद पीस सकते हैं, नहीं था इसीलिए हमको मंगाना पड़ा। ये मंचूरियन मसाला है, 10 रुपये पैकेट ये आती है। इसमें मैदा डाल लीजिए थोड़ा से, थोड़ा से अरारोट, नमक मिला लीजिए। जो मिर्ची पीसे थे इसको मिला लीजिए थोड़ा से, बाकी और रख दिए हैं मसाला, उसमें काम करेगा रस में। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको मिला लेते हैं। घर पे हो तो पीस के मिला लीजिए, मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गरम मसाला भी डाल सकते हैं थोड़ा से, ये फूड कलर है, कलर अच्छा आता है। अजीनोमोटो थोड़ा से डाल दीजिए, इससे मंचूरियन में स्वाद अच्छा आता है। इसको मिला लीजिए। दोस्तों, एक हाथ से हम वीडियो बना रहे हैं, एक हाथ से मंचूरियन तैयार कर रहे हैं। ये हमारा सम चुका है, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए। तेल हमारा गरम कर रहे हैं, लोई हमारी तैयार हो गई है, इसको गोली बना लीजिए, इसमें तल लीजिए। बढ़िया गोल्डन लाल एकदम बढ़िया से हो जाए। ये मिर्चा जो पीसे थे, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो लाए थे इसको मिला लीजिए इसमें।
ये हमारा तल चुका है मंचूरियन। ये मसाला इसको जब मिला लीजिए, सोया सॉस का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा अरारोट डाल लीजिए। पानी कलर जब डालेंगे तो कलर इससे अच्छा आएगा खाने वाला ही। मिला के इसको रख दीजिए, थोड़ा से अजीनोमोटो, इससे भी स्वाद अच्छा आता है। इसको नहीं डालोगे तो मंचूरियन का स्वाद भी इतना अच्छा नहीं आता। बाज़ार में मिलता है किराने की दुकान से, अजीनोमोटो मांगिए मिल जाएगा। थोड़ा सा तेल, प्याज हल्का लाल करके, इसमें पत्ता गोभी भी मिला सक दीजिए। ये मेरा लाल हो गया, पत्ता गोभी इसमें डाल रहे हैं, पहले से ही काट के रखे थे। थोड़ा से पत्ता गोभी लाल हो गया, इसमें मिर्चा जो पीसे थे सब मिलाए थे उसको डाल दीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट जो मिलाए थे, थोड़ा से नमक, क्योंकि पहले से ही उसमें नमक पड़ा रहता है मंचूरियन मसाले में। जो हमने कटोरी में घोल तैयार किए थे उसको डाल दीजिए मंचूरियन मसाला का। पानी अपने हिसाब से, ज़्यादा पतला भी ना करें। इसको जो पकौड़ी बनाए थे इसमें डाल दीजिए, गरम हो जाए बस। इसको धीमा करके 10 मिनट या 5 मिनट के तक धीमा करके रख दीजिए, ताकि पकौड़ी भी सोख ले इसका रस। ये हमारा हो गया है रेडी। बच्चों को बहुत पसंद है, घर पे झटपट बनाते हैं। इसमें गाजर शिमला मिर्च भी मिला सकते हैं। घर पे पत्ता गोभी रखा था उसी का बना दिए थे, जो पहले से ही रेडी था। बाजार जैसा लगेगा, बना के खाइए आप लोग भी। अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट कैसा लगा आप लोग को। लीजिए रेडी हो गया, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।